वेलकम बैक वंस अगेन टॉक विथ शुभम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आपके पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप सभी के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से साल 2020 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई हुई कुल 1100 से भी अधिक पदों पर केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए नई भर्ती 2020 के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें हैं जो कि मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी और पहली नंबर बात कि बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, यानी कि बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के सीधी भर्ती है। ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के द्वारा आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। नंबर दो, ऑल इंडिया जॉब है। भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। नंबर तीन की यहाँ पे केवल और केवल अगर आप लोग कक्षा 10वीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे। और नंबर चार की यहाँ पे जो आपका फॉर्म फीस है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है, यानी कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का दिल से सपना है साल 2020 में एक अच्छे से डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी करने का, तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ पे आपको GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसीज मिलने वाली हैं, जहाँ पे आपको टोटल 1100 से अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगी। आगे हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, यहीं से आपको आवेदन करना होगा। आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ पे इंडिया पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट अप्लाई ऑनलाइन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ में आप लोगों को यहाँ पे डेट भी अच्छी खासी दे दी गई है, लगभग 11 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और यहां पे आपको 10/11/2020 यानी कि 10 नवंबर की डेट देखने को मिलने वाली है। और ये 2020 और 21 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पे आपको बेसिक यहां पे पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की मिलेगी। इसके अंदर आपकी तीन तरह की टोटल नंबर वैकेंसी और पोस्टें होती हैं, BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और इसके बाद आपका आएगा डाक सेवक का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप लोग 4 घंटे का काम करते हैं BPM के अंदर तो आपको 12,000 मिलेंगे, और अगर आप केवल 5 घंटे काम करते हैं तो 14,500 रुपये मंथली के दिए जाएंगे। इसके अलावा ABPM और डाक सेवक में 4 घंटे के काम के लिए 10,000 और 5 घंटे के काम के लिए आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल की होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा SC/ST के लिए 5 और OBC को 3 साल की एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। और इसके बाद यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए 10, और अगर OBC में PWD आएंगे तो 13, और SC/ST में PWD है तो 15 साल की एज में छूट मिलेगी, यानी कि 55 साल तक वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा 10th स्टैंडर्ड यानी कि केवल और केवल 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। साथ में यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से स्टेट की कौन कौन सी लैंग्वेज है उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कौन से स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, कौन से सर्कल से, तो यहां पे कौन सी आपको लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। जैसे कि बिहार में हिंदी चलती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली के अंदर हिंदी, और गुजरात के अंदर गुजराती, हरियाणा के अंदर हिंदी, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हिंदी, जम्मू कश्मीर सर्कल के अंदर उर्दू और हिंदी चलती है, और झारखंड सर्कल के अंदर यहाँ पर आपको हिंदी ही देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में बोला गया है, रेसिडेंट के बारे में बोला गया है, साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए, कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में आगे हम एक बार और इसको डाउनलोड करेंगे और बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी IBPS क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अन अकेडमी की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, IBPS एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं, अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अन अकेडमी लेकर आया है एको लेड एक फ्री टेस्ट सीरीज, जो हर महीने की 18 तारीख को होगा, हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ। इस बार IBPS PO मेंस पर बेस्ड है ये फ्री टेस्ट सीरीज। यही नहीं, इसमें कवर होंगे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेंगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजोन वाउचर जो कि 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 के होंगे। इसके बाद एकोलेट टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे इनरोल करें और अटेम्प्ट करें एकोलेट 18 नवंबर 2020 को बिल्कुल फ्री। यहाँ पे आप सभी के लिए अन अकेडमी की तरफ से काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है।
साथ में अगर आप लोग एकोलेट टेस्ट सीरीज को अटेंड करते हैं तो आपको फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट और यहाँ पे जो है तो अमेजॉन वाउचर भी दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे पूरा का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, तो आप सभी को इनरोल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग फ्री में इनरोल करते हैं तो आपके पास एक्साइटिंग प्राइजेस होंगे जो है तो विन करने के, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनरोल जरूर करें। चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए दीपावली के पावन पर्व पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे कि 9000 पदों पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आपको शाम तक इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई हुई भर्ती के बारे में, जहाँ पे कोई भी परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एग्जाम इंटरव्यू नहीं होना है, फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पे बात करते हैं कुल पदों के बारे में, तो 1100 पदों पर यहाँ पे आपका जो है तो भर्ती आ चुकी है। और अगर आप लोग केवल 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको इस वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हो वहां पे दे दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि नवंबर 12 2020 का बड़ा अपडेट है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए। अप्लाई ऑनलाइन फॉर ग्रामीण डाक सेवक GDS की यहाँ पे आपको 1118 पोस्ट वैकेंसी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग mponline.co.in या फिर www.mponline.co.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो 1118 पदों पर ये भर्ती है। यहाँ पे आपको ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप लोग 12 नवंबर 2020 से लेकर 11 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर पाएंगे। और एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप लोग इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे केवल दो ही कैटेगरी के कैंडिडेट का लगेगा, जनरल OBC का केवल 100 रुपये। बाकी अगर आप लोग SC ST PHA फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपका कोई भी अप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की बात करते हैं, तो क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्टर सर्कल की तरफ से वैकेंसी है। देन बात करते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सभी राज्यों की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य से, मेल एंड फीमेल दोनों। बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे 10,000 रुपये से लेकर 12,000, और यहाँ पे अगर आप लोग 5 घंटे का काम करते हैं तो 14,500 रुपये आपको मंथली का सैलरी दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं पास यहाँ पे बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 11 दिसंबर 2020 तक MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर देना है। साथ में यहाँ पे जो है तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के द्वारा आप सभी का सिलेक्शन होगा। आपको यहाँ पे 3 तरह के लिंक मिलेंगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन का। क्लिक करेंगे पहली वाली लिंक पे, आप लोग mponline.co.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां से आपको जस्ट एक पैराग्राफ नीचे आना होगा। एक पैराग्राफ नीचे आने पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको जो है तो #39 पे जाना होगा, जहां पे इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करी गई है। तो यहां पे आने के बाद आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, क्लिक हियर पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर इस वैकेंसी के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड करी गई है। आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन से लेकर एज लिमिट से लेकर बाकी सारी चीज़ें। और इसके बाद आपको नीचे आना है इंपॉर्टेंट लिंक के ऑप्शन पे। यहां पे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर का बटन मिलेगा, आपको एक बार प्रेस करना होगा। जैसे आप लोग इस पर टच करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप लोग नोटिफिकेशन को कहाँ से ओपन करना चाहते हैं। अभी मैं इसको ओपन नहीं करूंगा बिकॉज मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको अप्लाई वाली बटन पे ले चलता हूं। यहां पे जैसे आप लोग क्लिक हियर पे एक बार क्लिक करेंगे आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अप्लाई करने के लिए यहां से करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले नंबर पे यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे 2 नंबर वाले में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करते हैं इनका रजिस्ट्रेशन का जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे अपना 10th मार्कशीट का एप्लीकेंट का नेम डालना है जो भी होगा। उसके बाद फादर्स का नेम ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर के अंदर सेलेक्ट करना है मेल है कि फीमेल। यहाँ पे आपको जो है तो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन भी मिलेगा, मेल को सेलेक्ट करता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो है तो कम्युनिटी को सेलेक्ट करना होगा। कम्युनिटी के अंदर आपको यहाँ पे जनरल OBC SC ST का ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ऐसे ही काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे जो कि बेसिक हैं। इसके बाद आप लोग प्रीव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली दोनों यहाँ पे जो बॉक्स हैं यहाँ पे आपको चेक करना है ऐसे ऐसे क्लिक करके। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद आपको
यहाँ पे सेकंड नंबर वाले में चलना है फीस पेमेंट में। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो फीस पेमेंट करेंगे, और अगर आप लोग एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीस पेमेंट नहीं करना। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन पे आ जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन में अप्लाई वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आप लोग आसानी से रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड डॉक्यूमेंट और चूज प्रेफरेंस पे क्लिक करके सबमिट करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में वीडियो अपलोड करूं जहां पे इस वैकेंसी के बारे में बताऊं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।